आज अपन पढ़ते हैं धारा विभाजन नियम और वोल्टेज विभाजन नियम। तो ये क्या होते हैं, धारा विभाजन नियम क्या होता है, वोल्टेज विभाजन नियम क्या होता है, तो करंट डिवाइडर रूल। तो धारा विभाजन नियम की अपन को कहाँ आवश्यकता पड़ती है भाई, श्रेणी में तो धारा का मान समान रहता है, श्रेणी परिपथ होते हैं, श्रेणी में आई क्या रहता है, समान रहता है, श्रेणी में तो आई समान रहता है, ठीक है। तो धारा और समांतर में वोल्टेज समान रहता है, तो धारा विभाजन नियम हमेशा किस कैसे परिपथों में लगेगा, समांतर में। धारा विभाजन नियम कहाँ लगेगा, समांतर परिपथ में धारा विभाजन नियम की अपन को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि श्रेणी में तो धारा समान है। ऐसे ही वोल्टता विभाजन नियम की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, तो श्रेणी में वोल्टेज विभाजन नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन बात करते हैं धारा विभाजन नियम, जैसे आर है, दो प्रतिरोध दे रखे हैं दोस्तों अपन को। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, धारा का मार्ग में रुकावट बाधा आपत्ति को प्रतिरोध कहते हैं, और धारा के मान को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध की अपन को आवश्यकता होती है। और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, ठीक है। ये सब जनरल चीजें हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये दो प्रतिरोध हैं R1 R2, इनका मान भी दे, मान भी देता है, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स देता है दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो मान देता है। तो ये आई एम्पियर करंट जा रहा है, आई यहां से दो जगह बट गया, I1 इधर आ गया आई में से, और I2 R2 प्रतिरोध में चले गए। आपसे कोई पूछे कि समांतर में दो प्रतिरोध है तो उनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है, समांतर में अगर दो प्रतिरोध संयोजित हो तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब अपन से पूछे कोई I1 ज्ञात करो भाई, तो I1 कैसे ज्ञात करेंगे, कुल I गुणा I1 पूछ रहा है, तो ये प्रतिरोध लेंगे, विपरीत का प्रतिरोध लेते हैं, I1 बराबर I गुणा I1 ज्ञात कर रहे हैं तो R2/R1 प्लस R2। ऐसे ही I2 ज्ञात कर रहे हैं, ये ज्ञात करेंगे तो I × R1/R1 प्लस R2। इस प्रकार अपन करंट डिवाइडर रूल से अपन I1 और I2 करंट ज्ञात कर लेंगे। I1 ज्ञात करेंगे तो I गुणा विपरीत का प्रतिरोध लेंगे, I गुणा R2/R1 प्लस R2। I2 ज्ञात करना होगा तो I × R1/R1 प्लस R2। ऐसे ही अपन L की बात करते हैं दोस्तों, L को क्या कहते हैं अपन, इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, किसी कॉइल चौक कुंडली को इंडक्टर कहते हैं, और ये विद्युत एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, चुंबकीय फील्ड में। तो इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, L की इकाई क्या होती है, हेनरी, क्या होती है, हेनरी। तो अब बात करें, दो L लग रहे हैं, L1 L2 समांतर में I करंट जा रहा है, L1 में I1 है, L2 में I2 करंट जा रहा है, तो ये L का समांतर में दो L लगे हो तो उनका तुल्य प्रेरकत्व इस सूत्र से निकालते हैं। अब बात करें I1 निकालना है तो वही सूत्र लगेगा, I1 बराबर I × L2/L1L2। I1 बराबर I × L2/L1L2। ऐसे ही I2 निकालना है तो दोस्तों I × L1/L1L2। मतलब इसमें I1 निकाल रहे हैं तो L2 लेंगे, इसमें I2 निकाल रहे हैं तो L1 लेंगे, ऐसे ही प्रतिरोध में लेंगे। जबकि दोस्तों कैपेसिटर में अपन वही चीज लेते हैं जो होता है, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, जो पंखे में लगा रहता है, इसकी इकाई होती है फैरड, ठीक है। अब कैपेसिटर, जैसे दो कैपेसिटर ले लिए C1 C2, ठीक है, तो वही KCL के नियम से इसमें I1 करंट चले गया, इसमें I2। तो तुल्य धारिता ज्ञात करनी हो, जब दो कैपेसिटर समांतर में लगे हो तो उनकी तुल्य धारिता का जो सूत्र रहता है, कुल कैपेसिटेंस का जो सूत्र रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, कैपेसिटर का जो सूत्र है इन दोनों पे उल्टा रहता है, तो CT बराबर क्या है, C1 प्लस C2। तो अब अपन I1 निकालेंगे, C1 ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको अपन मेजर करेंगे, तो दोस्तों I × उसी का, जैसे I1 निकाल रहे हैं तो ऊपर C1 ही आएगा, उसमें उल्टा आता था, इसमें कैपेसिटर के केस में वही आएगा, तो I1 बराबर I × C1/C1 प्लस C2, और I2 इक्वल टू या बराबर I × C2/C1 प्लस C2। इस प्रकार से अपन वोल्टेज धारा विभाजन नियम से कोई भी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊं, जिससे आपके भी थोड़ा सा क्लियर हो, धारा विभाजन नियम क्यों पढ़ाया है गुरुजी ने, इसकी जरूरत नहीं थी, ITI वाले बच्चों को थोड़ा टाइट लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, परंतु ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना जरूरी होता है। जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे दोस्तों, ये 10 एम्पियर करंट जा रहा है,
ये आई टू है, यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 10 ओम का प्रतिरोध है दोस्तों, और यहाँ कोई ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ऐसे दे दे कुछ भी, भाई 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो आई वन एंड आई टू का मान होगा, तो आई वन और आई टू ज्ञात करो। तो दोस्तों आई वन कैसे ज्ञात करेंगे, आई इंटू आर टू बटे आर वन प्लस आर टू, तो आई क्या है 10 इंटू आर टू क्या है 10 बटे इन दोनों का जोड़, आर वन प्लस आर टू कितना हो जाएगा 10 और 5 15, तो 10 धाम के 100, 100 बटे 15, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना आई वन, ऐसे ही दोस्तों अपना क्या हो जाएगा आई टू हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन आए तो अपन उसको करंट डिवाइडर रूल से कर लेते हैं, एक करंट दिया हो दूसरा करंट नहीं दिया हो, अब जैसे आई टू ज्ञात करें तो वही आई इंटू आर वन बटे आर वन प्लस आर टू, ठीक है दोस्तों। आई कितना है 10, आर वन कितना है 5 बटे आर वन आर टू क्या हो गया 15, ठीक है 5 × 15 तो ये क्या आ जाएगा 10/3, 10/3 एम्पियर अपना क्या आ जाएगा दोस्तों आई टू आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को धारा विभाजन नियम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं दोस्तों वोल्टेज विभाजन नियम क्या होता है, देखो दोस्तों अब देखते हैं वोल्टा विभाजन नियम क्या होता है, इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है समांतर में वोल्टेज समान होता है, श्रेणी में करंट समान होता है, करंट को एमीटर से नापते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध नगण्य या शून्य होता है, ऐसे ही वोल्टेज को वोल्टमीटर से नापते हैं, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है बहुत अधिक होता है अनंत होता है। तो अब हम बात करते हैं श्रेणी में करंट समान था तो धारा विभाजन नियम कैसे परिपथों में लगता था, समांतर परिपथों में। अब अपन बात करते हैं समांतर में वोल्टेज समान रहता है, समांतर सर्किटों में या समांतर परिपथों में वोल्टेज समान रहता है, इसलिए वोल्टा विभाजन नियम दोस्तों कैसे परिपथों में लगता है, श्रेणी परिपथों में। तो अपन जैसे R की बात करें, दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ रहे हैं और V वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा गया है, R1 प्रतिरोध V1 ड्रॉप कर रहा है, R2 प्रतिरोध V2 ड्रॉप कर रहा है। आपसे पूछे श्रेणी में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा दोस्तों, तो श्रेणी में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अपन RT बराबर R1 प्लस R2 सूत्र से निकाल लेते हैं, ये सभी बच्चों के याद है। उसके बाद आपसे कह दे भाई यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है तो R1 पे कितना ड्रॉप हो रहा है, R2 पे कितना, तो अपन निकालेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल से, तो V1 बराबर V कुल वोल्टेज इंटू V1 है, वहां पे उल्टा ले रहे थे श्रेणी में वोल्टेज विभाजन नियम में, वही लेते हैं जो निकाल रहे हैं, तो V1 बराबर V इंटू किसका प्रतिरोध लेंगे सेम का, V1 निकाल रहे हैं तो P1 के सामने का R1, तो V1 बराबर V गुणा R1 बटे R1 प्लस R2, ऐसे ही V2 बराबर V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, इस प्रकार से अपन V1 V2 निकाल सकते हैं प्रतिरोधी परिपथों में वोल्टा विभाजन नियम से। ऐसे ही अपन L की बात करें दोस्तों इंडक्टर की, तो इंडक्टर में भी अपने जैसे दो इंडक्टर हैं L1 L2 V वोल्ट से जुड़े हैं, V1 V2 ड्रॉप हो रहा है, तो तुल प्रेरकत्व या कुल इंडक्टेंस निकालेंगे तो श्रेणी परिपथों में L1 प्लस L2 R की तरह निकलता है, V1 निकालेंगे तो V इंटू L1 बटे L1 प्लस L2, ऐसे V2 निकालेंगे दोस्तों तो V इंटू L2 बटे L1 प्लस L2। अब कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में उल्टा होता है, बिल्कुल कैपेसिटर में दो संधारित्र श्रेणी में लगे हो तो इनमें ये सूत्र काम में लेते हैं, CT बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2 या 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। कैपेसिटर में दोस्तों उल्टा सूत्र लगता है दोनों में, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं V1 की, V1 अपन को निकालना है तो V1 C1 के सामने का वोल्टेज ड्रॉप V1 निकालेंगे तो V इंटू उल्टा लेंगे कैपेसिटर में, वहां पे सीधा ले रहे थे करंट विभाजन नियम में, वोल्टा विभाजन नियम में यहाँ उल्टा लेंगे तो V1 बराबर V इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 और V2 बराबर V इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये अपना वोल्टा विभाजन नियम है, इसके भी एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाए, ये दो दो ओम के दो प्रतिरोध हैं, सपोज ये R1 है ये R2 है अपन अपने, तो V1 V2 दो वोल्ट मीटर लग रहे हैं इनके सामने, इनमें से किसी एक की रीडिंग दे देता भाई इसकी 10 वोल्ट है तो V2 की ज्ञात करो, या अपन से दोनों पूछ ले V1 V2 का मान क्या होगा इसमें,
तो अपन B1 B2 का नाम वोल्ट का विभाजन नियम से निकाल सकते हैं इजी कोई, नहीं तो अपन दिमाग लगाएंगे कैसे होगा क्या होगा। तो वोल्ट का विभाजन नियम क्या कहता है कि कुल वोल्टेज V गुणा जिसका निकाल रहे V1 निकाल रहे तो V1 के सामने का ही प्रतिरोध R1 बटे R1 प्लस R2, ये तो कह रहा है वोल्ट का विभाजन। तो V कितना है 20, R1 कितना है दोस्तों 2, और 2 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 4। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 20 दूनी 40, या यहीं पे काट लो या गुणा कर लो, 20 दूनी 40 बटे 4 तो क्या आ गया 10 वोल्ट दोस्तों। क्या आ गया V1 का मान क्या आ गया 10 वोल्ट। अब यहां से V2 निकाले दोस्तों, तो V2 कैसे निकालेंगे V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2 दोस्तों। तो V कितना है अपना दोस्तों 20 इंटू R2 कितना है 2, और इन दोनों का जोड़ क्या है 4, ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 40 बटे 4 क्या आ गया 10 वोल्ट, अर्थात दोनों 10-10 वोल्ट के हैं। V1 जो वोल्ट मीटर है वो भी 10 वोल्ट रीडिंग देगा, V2 भी कितनी रीडिंग देगा 10 वोल्ट देगा, या V1 का मान भी 10 वोल्ट होगा और V2 का मान भी 10 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन आए तो अपन वोल्ट का विभाजन नियम से इसको इजी गोइंग जल्दी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी अपन नया सिस्टम चालू कर रहे हैं।